हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ इंडिया में और इंडिया में ये मेरा घर है। तो मेरा घर जो है, घर का हालत बहुत ही ख़राब था। बेड वगैरह और जो फ्लोर था वो बहुत गंदा था। तो ये मेरा एक्चुअली आफ्टर टू थ्री डेज मेरा आने के बाद का ये वीडियोज़ है। तो बेड बहुत गंदा था। बेड से जुड़ा चीज़ आई थिंक जो मेरा वीडियोस देखता है उसको पता होगा कि मेरा बेड मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब आई, दो तीन दिन ही हुआ था, तो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कुछ अलग सा फील हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, साफ़ सफाई करते हैं तो शायद अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने बेड शीट चेंज किया और ये जो फिटिंग बेड शीट है, मैं ये दुबई से ही लेके आई थी। तो ये मेरा बेड पे फिट हो गया था बहुत अच्छा से। और ये जो ब्लू कलर का जो एक दिख रहा है, वो एक्चुअली ये है इसलिए है कि इसके ऊपर अगर पानी वगैरह कुछ गिर जाता है तो मैट्रिक्स जो है वो ख़राब नहीं होता है। ये पानी सोख लेता है और इसे आप सुखा सकते हो। तो ये इसके लिए हमने अलग से जब बेड लिया था तभी हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि घर पे बच्चा वगैरह रहते हैं तो वो कभी सुसु कर देते हैं, तो इसके वजह से वो मैट्रिक्स ख़राब ना हो इसलिए हमने वो बिछाया हुआ है। तो फिर मैंने बेडशीट बिछा के फिर मेरा वो जो पिलो कवर था उसका सेट मैंने लिया नहीं था। सिर्फ मुझे याद नहीं था कि इसका सेट भी लेना पड़ेगा, तो मैंने सिर्फ कवर ही लिया था बेडशीट। तो फिर मैंने कवर जो मेरा था पहले से ग्रीन था तो मैंने उसको डाला। और यहाँ पे मेरा जो कुशन कवर है, कुशन कवर में आने का ठीक सेम डे पे मैंने लिया था, आई थिंक, हमको याद नहीं है अच्छा से। तो ये जो कुशन कवर है वो बहुत अच्छा मिला हमें। मुझे तो, मैं ये सब चीज़ बहुत अच्छे से ढूंढती हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ बहुत पसंद है। और मैं चाहती हूँ जो जितना भी मेरा घर का सामान हो वो मेरे पसंद का हो। मैं, मुझे सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने इस तरह से अपना सामान को रखा है, पूरे सामान को, घर का जितना सामान है सब मेरा पसंद का होता है। कुछ कुछ जब मुझे समझ नहीं आता तो मैं हस्बैंड को पूछती हूँ कि बाबू आप देखिए ये सही है या वो सही है नहीं। तो मेरा यहाँ पे पूरा काम हो गया था बेड का, मैंने अच्छा से चारों तरफ साफ़ किया। उसके बाद साफ़ करने के बाद मैं जो कपड़ा धो के रखी थी वो मैंने बेड पे डाला। उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि आप साफ़ सफाई करके एक जगह कपड़े रखे हो, फिर वो कपड़े को फोल्ड करके मुझे वार्डरोब में डालना था। तो फिर मैंने फ्लोर भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि फ्लोर भी जब मैंने वो बेड को क्लीन किया तो उसका पूरा जो धूल वगैरह था वो फ्लोर पे आ गया। तो मैं यहाँ पे 2-3 बार अच्छा से पहले सर्फ डाली फिर डिटॉल डाल के मैं साफ़ की, क्योंकि फ्लोर इतना गंदा था जब हम आए थे। क्योंकि वो जब घर पे कोई रहते नहीं है तो ज़्यादा साफ़ सफाई होता नहीं है, तो क्या होता है ना, वो गंदा जम जाता है। तो बहुत, मतलब 3-4 दिन तो मैं ऐसे ही साफ़ करती रही अभी जो दिख